अस्सलाम वालेकुम गाइस, फातिमा कुकिंग में फिर से आपका एक बार वेलकम है। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ चिकन कौरमा। तो चलिए देखते हैं उसके बनाने का तरीका। लेकिन आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। चिकन कौरमे के लिए मैंने यहाँ ले लिया है 1.5 किलो चिकन और मीडियम साइज़ का ले लिया है 4 बड़ी प्याज, जिसको हम स्लाइस कर लेंगे अभी। और साथ में लिया हुआ 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच हमने ले लिया लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच से भी कम हमने ले लिया है हल्दी पाउडर और जाएगा उसमें केवड़ा वाटर, 1 बड़ा चम्मच लेंगे हम धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लेंगे हम जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लेंगे हम गरम मसाला पाउडर और 3 बड़े चम्मच ले लिया हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 बड़े चम्मच लेना है फ्रेश क्रीम और 12 से 15 हमने ले लिया है काजू, जिसका हम अभी पेस्ट बना लेंगे पानी डाल के थोड़ा सा। और यहाँ लिया है मैंने 1/2 किलो दही और कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जैसे कि तेज़पत्ता है, शाहजीरा है, 2-3 इलायची है, स्टार है, लौंग है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तपेली चढ़ाएंगे उसमें तेल डाल के गर्म होने के लिए। यहाँ ये तेल गर्म हो चुका है, अब हम डाल देंगे उसमें खड़े गरम मसाले, अब जाएगा प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम उसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम उसको 1 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छे से भून लिया है, अब उसमें जाएगा चिकन। यहाँ चिकन को अब हम क्या करेंगे, इसको जो चिकन का पानी है वो ड्राई होने तक हम इसको भूनते रहेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ मैंने इसको भून लिया है अच्छे से और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें जाएगा टेस्ट के हिसाब से नमक और जो ड्राई मसाले थे वो भी अब इसमें जाएगा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर। अभी सारे मसाले हमने इसमें ड्राई डाल दिए हैं, अब इसको हम भून लेंगे और हाई फ्लेम पे ही हम भूनते रहना है। यहाँ हमने भून लिया है, अब इसमें जाएगा हमने जो काजू का पेस्ट बना लिया है वो जाएगा, फ्रेश क्रीम, अब जाएगा दही, यहाँ अब हमने डाल दिया काजू का पेस्ट, फ्रेश क्रीम और दही। अब इसी में हम इसको हाई फ्लेम पे हम इसको अभी फिर से भून लेंगे, जब तक ये दही का पानी ड्राई नहीं हो जाएगा हम इसको थोड़ा भूनते रहेंगे। यहाँ ऊपर तरी आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्लो फ्लेम कर देंगे और एक प्लेट से कवर करके इसको हम 5 से 8 मिनट तक रख देंगे। यहाँ 5 से 8 मिनट हो चुका है, अब जाएगा उसमें 1/2 छोटे से भी कम हम डाल देंगे इलायची पाउडर और 1 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे केवड़ा वाटर। अब इसको एक बार चलाएंगे और इसमें 1 मग हम पानी डाल देंगे, जितना ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी डाल देंगे इसमें। यहाँ मैं 1 मग पानी डाल दी हूँ, अब इसको चलाऊंगी और इसको स्लो आंच पे ही हम दम पे और 5 मिनट तक रख देंगे। यहाँ अभी चिकन भी गल चुका है, अब यहाँ इसको कवर करके हम रख देंगे 5 मिनट के लिए।
यहाँ 5 मिनट हो गया है, तरी देखिए अब ऊपर आ गई है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, गैस ऑफ कर देंगे, हरा धनिया डाल के इसको चला के डिश आउट कर लेंगे। अभी यहाँ अब ये चिकन कौरमा रेडी हो चुका है खाने के लिए। आप इसको पराठे के साथ, राइस के साथ सर्व कीजिए और ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।